अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज नेहा फैसल। आई एम जनरल नॉलेज टीचर ऑफ योर ग्रेड वन। आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डिजिटल एकेडमिक्स प्रोवाइडेड बाय मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स। टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज गुड मैनर्स एंड हैबिट्स। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई विल डिस्कस स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। नंबर वन, greet other by saying assalamu alaikum, good morning, hi, etc. Number two is identify and list various aspects of good character. Number one, punctuality. Number two, speaking politely. Number three, kindness, honesty and truthfulness. Recognize the importance of good manners. Demonstrate etiquettes of eating. Don't waste food. Eat with clean hands. Do not drop food around. Understand the hazards of eating unhealthy food. And the last point is recognize and identify the etiquettes of using the washroom. First of all, students, I will tell you some benefits. Number one, manners keep us in good health. Number two, manners keep us secure. Number three, manners help us in taking care of others. Number four, we can have fun and laughter together if we observe manners. Greeting. प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी से मिलें तो हमें मिलते वक्त उसे अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए अगर हम मुसलमान हैं, और इसके जवाब में अगला बंदा वालेकुम अस्सलाम कहेगा। ग्रीटिंग्स के बहुत सारे और भी तरीके हैं, जैसे कि सुबह के वक्त हम अपने दोस्तों, अपने बुजुर्गों या अपने रिश्तेदारों को गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। दोपहर के वक्त गुड आफ्टरनून, शाम के वक्त गुड इवनिंग, जबकि रात के वक्त गुड नाइट। यू कैन ऑल्सो यूज हाय और हेलो एट एनी टाइम। प्यारे बच्चों, जब भी आप किसी से मिलें तो हमेशा उसे मुस्कुरा कर मिलें। कभी भी बुरे लहजे में किसी से बात मत करें, क्योंकि किसी की तरफ देखकर मुस्कुराना भी इबादत है। गुड क्वालिटीज़। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अक्सर ऐसा देखा होगा, जो आपकी क्लास में सबसे अच्छा बच्चा, यानी वो झूठ नहीं बोलता होगा, हमेशा वक्त पर आता होगा, अपना काम खुद और अच्छी तरह करता होगा, टीचर का कहा मानता होगा, अपने वालिदैन का कहा मानता होगा, सब बच्चे और उस्ताजा और उसके वालिदैन उसको बहुत पसंद करते हैं। इसीलिए आपको भी चाहिए कि आप चंद अच्छी आदत अपनाएं, ताकि आपके इर्द गिर्द बसने वाले लोग आपको पसंद करें। आपको मैं अच्छी क्वालिटीज़ बताती हूँ। नंबर वन, शेयरिंग थिंग्स। आपको चाहिए कि आप अपनी चीज़ें अपने बहन, भाइयों, वालिदैन और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप कोई चीज़ खाएं तो पहले अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों से पूछ लें कि क्या वो खाना पसंद करेंगे। अगर आप अकेले बैठ के खाएंगे तो इससे लोग आपको अच्छा नहीं समझेंगे। आपको चाहिए कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग बैठे हैं, आप उन सबसे पूछें कि क्या आप मेरे साथ मेरा खाना पसंद करेंगे। नंबर टू इज नॉट लिटरिंग अराउंड। प्यारे बच्चों, अक्सर आप जब भी किसी पार्क में जाते हैं तो आपने वहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा देखा होगा, या आप किसी साफ सुथरे पार्क में जाते हैं तो प्यारे बच्चों, ये हम ही लोग हैं जो वहाँ पर कचरा फैलाते हैं। हमें चाहिए कि हम पार्क में कुछ खाएं, कोई बोतल पिएं या अपने इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर्स को डस्टबिन में फेंकें। इर्द गिर्द पब्लिक मुकामात पर फेंकना बहुत बुरी बात है। आप किसी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, किसी पार्क में जाएं तो हमेशा अपने कूड़ा क्रिकेट को डस्टबिन में फेंकें। एक तो इससे माहौल की आलूदगी में इजाफा नहीं होगा और दूसरा आपकी सेहत मुतासर नहीं होगी। नंबर थर्ड इज़ रिमेनिंग नीट एंड क्लीन। प्यारे बच्चों, आपको हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग साफ़ सुथरे बच्चों को ही पसंद करते हैं। हमें चाहिए कि हमेशा सुबह उठकर नहाएं, हफ्ते में 2 से 3 मरतबा अपने नाखून तराशें, अपने बालों को अच्छी तरह संवारें, अपने जूतों को साफ रखें
और अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ रखें, क्योंकि प्यारे बच्चों सफाई निस्फ ईमान है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज टॉकिंग पोलाइटली। प्यारे बच्चों, हमें अपने वालिदैन, उस्तादजा, दोस्त और रिश्तेदारों से प्यार और मोहब्बत से बात करनी चाहिए। अगर हम उनसे प्यार, अदब और मोहब्बत से बात नहीं करेंगे तो लोग हमें बुरा समझेंगे। और किसी की भी दिल आज़ारी मत करें, किसी की गीबत और बुराई भी नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। ग्रीटिंग विद अ स्माइल। जब भी आप किसी से मिलें तो हमेशा मुस्कुराहट से मिलें। अपने बहन, भाइयों, वालिदैन से मिलते वक्त हमेशा खुशी से मिलें। ऑनेस्टी। प्यारे बच्चों, कभी भी इमानत में खयानत मत करें, इस तरह दूसरा बंदा आप पर यकीन नहीं करेगा। ट्रुथफुलनेस। झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, कभी भी हमें मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमेशा सच बोलें और सच का साथ दें। पंचुअलिटी। प्यारे बच्चों, हमेशा स्कूल वक्त पर पहुँचें, सिर्फ स्कूल नहीं बल्कि जहाँ भी आप जाएं हमेशा वक्त पर पहुँचें। रेगुलरिटी। प्यारे बच्चों, हमेशा बाकायदगी से नमाज़ पढ़ें, बाकायदगी से स्कूल जाएं। अगर आप ये सारी क्वालिटीज़ में से कोई चंद क्वालिटीज़ भी अपने अंदर पैदा कर लेंगे तो ये माशरा आपको बहुत पसंद करेगा। ये सब क्वालिटीज़ आपके अंदर मौजूद हों। अब इस पेज पर आप लोगों ने गिनना है कि कितनी क्वालिटीज़ हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों के अंदर इनमें से कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं। क्या आप सच बोलते हैं? क्या आप जब किसी से मिलें तो मुस्कुराहट के साथ मिलते हैं? क्या आप आराम से बोलते हैं? क्या आप नरमी से बात करते हैं? तो प्यारे बच्चों, आपने मुझे गिन के बताना है कि आपके अंदर इनमें से कितनी क्वालिटीज़ मौजूद हैं। प्यारे बच्चों, Now I am going to tell you about eating manners. My dear students, we should always wash our hand before and after our meal. Always start your meal with Bismillah. Muslim recite Bismillah before starting a meal. प्यारे बच्चों, जो भी खाना आप लोगों के सामने मौजूद हो उसे अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेना चाहिए और अपने वालिदैन को इस बारे में तंग नहीं करना चाहिए बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जब आपका पहला खाना ख़त्म हो जाए तो फिर मज़ीद खाना लीजिए। अदरवाइज माई डियर चिल्ड्रन, डोंट वेस्ट योर फूड। माई डियर स्टूडेंट, वी शुड ऑलवेज गो इन फॉर अ बैलेंस्ड डाइट। फिश, मटन, बीफ, चिकन, एग्स, फ्रूट्स, सैलड फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, बॉडी एंड माइंड। ओके स्टूडेंट्स, वेल नाउ आई विल डिस्कस टेबल मैनर्स के हमें खाना खाते वक्त मेज़ पर किस तरह बैठना चाहिए, मेज़ पर बैठने के आदाब क्या हैं। नंबर वन, हमेशा अपने सीधे हाथ से खाना खाएं। नंबर टू, वी शुड ईट विद आवर माउथ क्लोज्ड। जब भी आप खाना खाएं तो अपने मुंह से आवाज़ें मत निकालें, इससे आपके इर्द गिर्द वाले लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। और जब भी आप खाना खाएं हमेशा खामोशी से खाना खाएं। खाना खाने के दौरान कभी बातें नहीं करनी चाहिए, इससे आपके गले में खाना फंस सकता है। और जब भी कोई भड़ा आए तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुर्सी से खड़े हो जाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप टेबल मैनर्स को ज़रूर फॉलो करेंगे। Now I will discuss bathroom etiquettes. My dear students, we should always wash our hand with soap. जब भी आप वॉशरूम में जाएं, आपको चाहिए कि आप अपने हाथों को साबुन से ज़रूर धोएं। इससे आप बहुत ज़्यादा बीमारियों से बच सकते हैं। We should not waste water. पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और हमें चाहिए कि हम इसको ज़ाया मत करें। जब भी आप वॉशरूम में जाएं, आप पानी ज़ाया मत करें। अगर आप दांत साफ कर रहे हैं तो नलके को बंद कर दें। वी शुड फ्लश आउट द डर्ट बिफोर लीविंग द वॉशरूम। प्यारे बच्चों, जब आप वॉशरूम इस्तेमाल कर लें, वापस आने से पहले तमाम लाइट्स और टैप्स को बंद कर दें। इस तरह आपकी बिजली और पानी की बचत होगी। प्यारे बच्चों, अब आप लोग मुझे बताएं, क्या आपने कभी अपने दोस्त के साथ या आपके दोस्त ने आपके साथ कोई चीज़ शेयर की है तो बताइए। एक्सरसाइज। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन मेक योर ओन चॉइस एंड कलर्ड व्हाट यू लाइक एज ग्रीन। नंबर वन, द क्लासमेट दैट आई लाइक शुड बी
अब आप लोग मुझे बताएं, क्या आप ऐसा दोस्त बनाना पसंद करेंगे जो कि ईमानदार ना हो? नहीं, आप हमेशा ईमानदार दोस्त बनाएंगे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आपको भी चाहिए कि आप भी ईमानदार बने। तो हम इसमें ऑनेस्ट वाले बॉक्स में ग्रीन कलर करेंगे। नंबर टू इज माय बेस्ट फ्रेंड इज ऑलवेज पंक्चुअल और लेट। वेरी गुड, पंक्चुअल वाले बॉक्स में आप ग्रीन कलर करेंगे। नंबर थर्ड इज वी ग्रीट वन अनदर बाय सेइंग अस्सलामु अलैकुम और गिविंग बैड लुक्स। अब आप लोग मुझे बताएं कि हमें किसी से अस्सलामु अलैकुम कह के मिलना चाहिए या उसकी तरफ बुरी तरह देखकर? वेरी गुड, हमें हमेशा मिलते वक्त अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वाले बॉक्स में आप लोग ग्रीन कलर करेंगे। वी शुड लिटर अराउंड नॉट लिटर अराउंड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम किसी भी पार्क या किसी भी तफरीही मुकामात पर जाएं तो हमें वहां पर अपना कूड़ा क्रिकेट नहीं फेंकना चाहिए। नॉट लिटर अराउंड वाले बॉक्स में आप ग्रीन कलर करेंगे। वी शुड हैव माउंटेन ऑफ फूड इन आवर प्लेट बिफोर वी बिगिन टू ईट और टेक इन लेस क्वान्टिटी एंड देन आस्क फॉर मोर। एग्जैक्टली माय डियर स्टूडेंट, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें हम ग्रीन कलर करेंगे। एंड द लास्ट वन इज आई लाइक फ्रेंड्स हु रिमेन डर्टी नीट एंड क्लीन। आप लोग बताएं, आप लोग कौन सा दोस्त बनाना पसंद करेंगे जो साफ सुथरा रहता है, रोज नहाता है, अपने नाखूनों को काटता है, या उस दोस्त को जो गंदा रहता है? एग्जैक्टली आप नीट एंड क्लीन वाले बॉक्स में ग्रीन कलर करेंगे। वेल स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल आई हैव फॉर टुडे। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी बातें आज मैंने आपको सिखाई हैं उन पर आप ज़रूर अमल करेंगे। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।